हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटीशियन पर। मैं हूँ रेखा प्रयागराज से। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, तो जो लोग प्रयागराज के हैं, आना चाहती हैं, कोई भी सर्विस लेने के लिए, वो आ सकती हैं। तो आज जो है आप देख सकती हैं कि जो मेरे क्लाइंट हैं, इनके जो बाल थे वो काफ़ी ज़्यादा कर्ली थे, मतलब अच्छे खासे कर्ली थे और बाल थोड़े से ड्राई भी थे। तो आज हमने जो परमानेंट स्मूदनिंग की है आप लोगों के साथ, वो शेयर कर रही हूँ, स्ट्रेटनिंग बोल सकती हैं। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप्स होता है, ये वीडियो बिल्कुल भी बहुत डिटेल में नहीं है। अगर आपको बहुत डिटेल देखनी है तो मेरे पहले ही चैनल पर वीडियोस गई हैं, आप उस पर देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो भी क्लाइंट आई हैं जिनको कराना है, उनका करने से पहले ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है इसका कुछ क्लिप आपके हमारे जो ब्लॉग चैनल है, रेखा ब्लॉग चैनल, उस चैनल पर जाएगी, जिसमें हम अपने जो भी लाइफ स्टाइल होती है, थोड़ी बहुत क्या है, कैसे ब्यूटिशियन हैं, तो किस तरीके से हम अपने शॉप को मैनेज करते हुए हम बाकी और चीज़ें मैनेज करते हैं, वो सारी डिटेल हम वहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो जिन लोगों को मेरा ब्लॉग चैनल देखना है, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर सबसे रेखा ब्लॉग है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हेयर को वॉश किया गया, प्यूरिफाइंग शैम्पू से 2 से 3 बार अच्छी तरीके से वॉश किया, उसके बाद टॉवल ड्राई किया, उसके बाद स्ट्रेट ब्लो ड्रायर किया जा रहा है। स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे मोटा मोटा सेक्शन लेकर स्ट्रेटनिंग करेंगे। स्ट्रेटनिंग इसलिए स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करेंगे इसलिए करेंगे क्योंकि जो अगर कर्ली रह जाएंगे तो बहुत अच्छे से क्रीम बालों में नहीं लग पाएगी, कुछ कुछ जगह पे वो नहीं लग पाएगी। इसलिए आपका बाल इवन होना, स्ट्रेट होना ज़रूरी है। क्रीम अप्लीकेशन से पहले सॉस को आपकी ग्लैट है, ये क्रीम 0 नंबर है। जैसा कि वर्जन हेयर हैं, कर्ली हेयर हैं, मोटे हेयर्स हैं, बहुत मोटे नहीं, मीडियम है, तो उसके ऊपर के लिए ये स्ट्रेटनिंग क्रीम एकदम अच्छी है और बहुत अच्छा रिजल्ट आया, जो कि आपने पहले ही देख लिया कितना अच्छे से रिजल्ट आया था स्ट्रेटनिंग का। अभी मैं इसमें प्रोसेस दिखा रही हूँ। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और तो यहाँ पे स्ट्रेटनिंग क्रीम लग रही है। आज की जो स्ट्रेटनिंग क्रीम स्ट्रेटनर जितना भी स्मूदनिंग स्ट्रेटनिंग हुई है उसका पूरा श्रेय हमारे स्टूडेंट को जाता है। एक स्टूडेंट को 1 महीना हुआ है जो ब्लू ड्रेस पहनी है, जो हमारे सैलून की ड्रेस है, और अलीशा जो है उसका 6 मंथ होने वाला है, लगभग कंप्लीट हो रहा है, तो अभी वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। जो नई वाली है उसे सब कुछ पता है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम होती है, बालों के जो बॉन्ड होते हैं, जो हम अपनी रिलैक्सर क्रीम लगाते हैं, जो अभी लग रही है इसका जब हम लगा देते हैं तो चेक करना होता है कि बॉन्ड टूटा है कि नहीं, क्योंकि अगर बॉन्ड नहीं टूटा होगा तो आपकी स्ट्रेटनिंग अच्छी नहीं होगी, टूट गया, एक्स्ट्रा प्रोसेस हो गया होगा तो भी आपकी स्मूदिंग नहीं अच्छी होगी। तो इस वजह से ये चीज़ में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन आज मैंने सब कुछ छोड़ा था कि आज तुम्हें ही करना था। हाँ, हम थोड़ा सा सपोर्ट में थे, इससे उन लोगों को थोड़ा सा डर कम लगता है, लेकिन टोटल आज दोनों लोगों को इस स्ट्रेटनिंग का श्रेय जाता है कि उन दोनों लोगों ने ही किया। अभी चेक कर रही हैं, क्रीम लगे लगभग 30-35 मिनट हो चुका है। इस क्रीम का जो समय है वो 40 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है आपको, और 20 मिनट के बाद आपको चेक करना है। बालों के ऊपर डिपेंड करता है, बालों को देखना है, बालों की जो है आपको डायमीटर चेक करना है, बालों के में मॉइस्चर कितना है उसको चेक करने के बाद ही आपको जो है डिपेंड करता है कि कितनी देर में इसका बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो कोई फिक्स एकदम से टाइम नहीं है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेटनिंग क्रीम जो लगाई थी उसको बॉन्ड चेक करने के बाद वॉश किया, वॉश करने के बाद मास्क लगाया, मास्क लगाने के बाद अभी आप देख सकते हैं टॉवल ड्राई हो रहा है। टॉवल ड्राई होने के बाद हम फिर से स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करेंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर हम स्ट्रेट ब्लो ड्रायर नहीं करते हैं तो बाल एक शेप लेने लगता है। जब तक हम पूरे बालों में स्ट्रेटनिंग काहे लिए करेंगे, तब जाके कहीं, तो उससे पहले हम सीरम लगाएंगे ताकि हमारे बालों में साइन बनी रहे। तो हम जो वो सीरम लगाने वाले हैं जो स्मूदनिंग स्ट्रेटनिंग के बाद लगाया जाता है, ठीक है, आफ्टर केयर में होता है, वो वाला सीरम लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर वो करने के बाद आप देख सकते हैं स्ट्रेट ब्लो ड्रायर आपको इस तरीके से क्या होगा कि 5 मिनट के अंदर आपके जो हेयर्स हैं वो एक स्ट्रेट शेप में आ जाएंगे। फिर आप उनको जो भी शाइन देना, जितना स्ट्रेट करना उतना दीजिए। अगर मैं ये चीज़ें नहीं करती अभी ब्लो ड्रायर से, इसको स्ट्रेट ब्लो ड्रायर नहीं करती, तो बाल क्या होते हैं, जहाँ पर धुले जाते हैं उसी जगह पर शेप लेने लगते हैं जड़ के पास, ठीक है। क्योंकि हम थोड़े थोड़े सेक्शन लेकर कम से कम घंटों बाद आगे की साइड पहुँचेंगे, तो उतनी देर में वो बाल क्या होते हैं, 1 घंटे का टाइम हो जाता है, तो वे शेप ले लेते हैं। इसलिए हमें
मुझे 5 मिनट 7 मिनट में करनी होती है स्ट्रेट हो रहा है, ताकि बाल बिल्कुल खुले हो जाए, एक शेप में आ जाए, स्ट्रेट शेप में आ जाए। फिर उनको जितना हमें स्ट्रेट आयरनिंग करनी है, जितना हमें करना है उतना है, और यहीं पे डिसाइड होता है कि आपका बाल क्या है। जितना कम आप स्ट्रेटनिंग यूज करेंगी उतना आपका स्मूथनिंग साइड, थोड़ा सा और ज़्यादा करेंगी स्ट्रेटनिंग, थोड़ा सा और ज़्यादा करेंगी तो रिबॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम और अलीशा कर रहे हैं स्ट्रेट, नीतू कुछ और कर रही थी। और आज मंगलवार था, ऑफ का दिन रहता है, ज़्यादा लोग थे नहीं, हमारे 2 स्टूडेंट थे, हम थे, 3 ही लोग थे, 2 स्टाफ थे, वो छुट्टी पे थे। तो अभी लेकिन अच्छी तरीके से सारी चीज़ें हो गई। तो एक लोग अभी यहाँ पे एक क्लिप लगाने की बारी आती, तो आपकी जो सिल्वर क्लिप होती है वो वाली क्लिप आप कुछ मिनटों के लिए लगाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई शेप नहीं आता, लेकिन अगर आप उसको आधा घंटे के लगा के छोड़ती हैं तो शेप एक आने लगता है। तो इस वजह से जब भी आपके पास कोई हेल्प करने वाला नहीं है तो आपको क्रोकोडाइल क्लिप ना उसके बदले आप ये सिल्वर क्लिप लगा लेंगी और कुछ मिनटों में रहता है, क्योंकि सेक्शन अब 1 मिनट में आपने एक सेक्शन किया, फिर 1 मिनट में एक सेक्शन किया, तो 1 मिनट में आपके में बालों में क्लिप लगाने से कोई भी शेप नहीं आती है। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, आप अकेले खुद भी एक लोग स्ट्रेटनिंग कर सकती हैं, बस थोड़ा समय लगता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे बाल स्ट्रेट लगभग अलीशा कर रही है अभी। मैं और फेशियल करने लगी थी, या कि एक लोगों का और कैरेटीन करना था तो उनका मैं कैरेटीन करने लगी थी, और क्योंकि दोनों लोगों को मैंने आज का टाइम दे दिया था, मुझे पता नहीं था स्टाफ नहीं आएगा। तो अभी यहाँ पे इनकी भी आप देख सकते हो बाल ऐसे हैं, इस तरीके से कुछ बाल थे, इन्होंने कुछ समय पहले 2 साल 1 साल पहले स्मूदनिंग कराई थी, और इस तरीके से कैरेटीन होने के बाद कुछ इस तरीके का बाल हो गया था। ठीक है, आप देख सकते हो ये, तो ये हो गया, कैरेटिन भी इसी के साथ ही साथ हो गया था। और अब क्या हो गया था, मेरा जो स्ट्रेटनिंग था, जो हमने परमानेंट स्ट्रेट किया था, उसके बाद हमने लगाया था, अच्छी तरीके से स्ट्रेट करने के बाद हमने लगा दिया था न्यूट्रलाइजर, 10 मिनट के लिए न्यूट्रलाइजर लगाया था। उसके बाद जब वॉश किया, इसी समय कॉल भी आ गई थी, बहुत ज़्यादा आज मतलब वो हो गया था। और ये मेरी यूट्यूब जो स्टूडेंट जो क्लास लेती हैं उनमें से एक लोगों का था, क्योंकि अभी मैं क्लास के लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पा रही उसकी वजह से है, पर कोई बात नहीं, बस 2-3 दिन के अंदर ही मैं जल्दी से क्लास लूँगी, और जिन लोगों को न्यू ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है 7897233810 है, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेट ग्लो ड्रायर, अभी सब कुछ न्यूट्रलाइजर लगाने के बाद, टॉवल ड्राई करने के बाद, अब मैं स्ट्रेट ग्लो ड्रायर कर रही हूँ। स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करने के बाद आप हाफ वालों में देख सकती हैं कि स्ट्रेट ब्लो ड्रायर किया है, और यहीं पे अगर आपके मन नहीं है तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी आयरनिंग से सेट करने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हो कि बाल स्ट्रेट हो चुका है। स्ट्रेट ब्लो ड्रायर हमें करना है, क्लाइंट को गीला बाल लेके तो हम भेजेंगे नहीं, और हमें चेक भी करना होता है कि प्रॉपर आया है कि नहीं। तो अभी आप देख सकते हो प्रॉपर स्ट्रेटनिंग हो चुकी है। अब मैं एक फाइनल साइन के लिए लॉक रहे, क्योंकि 72 घंटे रहने वाला है, तो इसलिए आप स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करने के बाद आप इसके ऊपर मोटा मोटा सेक्शन के साथ एक बार आयरनिंग और करेंगी, और फिर उसके बाद आप क्लाइंट को भेज देंगे। ये मेरी बेटी इशू है, ये इनको मैं बोल रही थी बीच बीच में शूट करने के लिए, अलीसा भी शूट कर रही थी, और लास्ट का स्टेप था, काफ़ी 8 बज गए थे, 8:30 हो गया था, काफ़ी लेट हो गया था। ये वाली क्लिप को मुझे कट करने था पर मैंने नहीं कट कर पाई, मुझे ध्यान नहीं गया। तो अभी यहाँ पे टोटल ये क्या दिखा रही है, अपना मेहंदी वगैरह दिखा रही है, ये मुझे ब्लॉग चैनल पर जाना था पर इस पर आ गया, कोई बात नहीं। तो आप मेरे ब्लॉग वाले चैनल को वॉच कर सकती हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी नॉलेज भी रहती है कि कैसे मैं अपने पार्लर को हैंडल करती हूँ, कैसे पार्लर की चेयर वगैरह की सफाई होती है, क्या चीज़ें हैं, कब कोई नहीं आता है तो कैसे उसको मैनेज करती हूँ, वो सारी चीज़ें आप मेरे उस चैनल पर देख सकती हैं, रेखा ब्लॉग। अब आप ये लगभग वीडियो एंड होने वाली, बीच में मैंने ये किया, तो आप फाइनल बालों की जो स्ट्रेटनिंग है वो फाइनल जो है वो आप देख सकती हैं, कुछ इस तरीके का आया था। आगे जो भी बाल एक्स्ट्रा थे उनको ट्रिम कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो। आप लोगों को उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आई, तो लाइक शेयर